लॉन्च होने के साल भर में ही 40,000 यूनिट बिक्री के साथ रेनो ट्राइबर काफी बेहतर बिकने वाली कार बन गई है। और मजेदार बात यह है कि ट्राइबर ने यह काम सिर्फ एक इंजन और एक गियरबॉक्स के साथ किया है, जबकि अन्य कारें कई इंजन और बहुत सारे ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन अब ट्राइबर को भी AMT या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के तौर पर दिया गया है। क्या ये बेहतर है? क्या ये कार को चलाने में ज्यादा आरामदायक बनाता है? चलिए जानते हैं। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो रेनो ट्राइबर जो है उसने कंपनी के लिए भारत में काफ़ी अच्छा किया है, और ये देखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि ट्राइबर जो है एक बहुत ही स्मार्ट, स्पेशियस, कॉम्पैक्ट पीपल मूवर MPV है। जी हाँ, इसमें 7 जने बैठ सकते हैं काफ़ी आराम से। और ये जो AMT वर्जन है जो आज हमारे पास है, उसके आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि ट्राइबर की जो सेल्स है वो भारत में और बढ़ने वाली है। ट्राइबर के साथ पहले जैसा 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71 BHP ताकत 6,250 RPM पर हासिल करता है और 3,500 RPM पर 96 Nm टॉर्क जनरेट करता है। रेनो का दावा है कि ट्राइबर AMT का माइलेज 18.29 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो इसके मैनुअल वेरिएंट से थोड़ा कम है, और ये छोटा सा समझौता है। माइलेज में मामूली गिरावट के साथ अधिक आरामदायक ड्राइविंग पेश की गई है। 5-speed AMT को छोड़कर ट्राइबर में बाकी सब पहले जैसा ही रखा गया है। जैसे कि ज्यादातर AMT गाड़ियों में होता है, ट्राइबर में भी एक 5-speed AMT यूनिट है, जो ड्राइविंग का अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, काफी आरामदायक है। जो गियर शिफ्ट है वो भी काफी स्मूथ है, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। यदि आप ट्रैफिक में शहर में चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे चलाते हैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे, अरे तो आप शहर में चला रहे हैं लेकिन आपको एक व्हीकल को ओवरटेक करना है, सामने आपकी कोई गाड़ी जा रही है उसको ओवरटेक करना है, तो आपको वो सारे मैन्यूवर्स थोड़ा प्लान करके करना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो ड्राइवर है AMT में भी, इसमें एक मैनुअल मोड है, तो आप गियर शिफ्ट को इस तरफ घुमाएंगे और अगर आप जैसे चाहें डाउन शिफ्ट करना तो आप कर सकते हैं, अपशिफ्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और आरामदायक और थोड़ा एक्साइटिंग बना देता है। क्विट के साथ मिले रोटरी नॉब से अलग ट्राइबर AMT को सामान्य गेयर शिफ्टर दिया गया है, जो ड्राइव मोड्स, रिवर्स और न्यूट्रल में बदलते वक्त चालक को AMT वाला एहसास देता है। ट्राइबर AMT के साथ क्रीप फंक्शन भी दिया गया है। इसका मतलब है जब कार ड्राइव मोड पर होगी तब ब्रेक पेडल से पैर हटाते ही ये धीमी रफ्तार में आगे बढ़ने लगेगी। ये तब फायदेमंद साबित होता है जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चला रहे हों। ट्राइबर में जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन था वो तब भी पर्याप्त था मैनुअल वर्जन में, और AMT वर्जन में भी पर्याप्त है। पावर में, टॉर्क में कोई कमी नहीं है। जो मिड रेंज है उसमें गाड़ी में काफ़ी ताकत, काफ़ी टॉर्क मिलती है, और जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं जो टॉप एंड में भी गाड़ी में काफ़ी ताकत है, वो ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी की सांस फूल रही है। और अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी आरामदायक है, उतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन हैंडलिंग जो है गाड़ी की, जो स्टीयरिंग से फीडबैक है, वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, ड्राइविंग अनुभव में कोई कमी आएगी। हाँ, थोड़ा बेहतर होता, अच्छा होता। दिखने में रेनो ने ट्राइबर AMT को पहले जैसा ही रखा है, जो आकर्षक यूरोपीय डिज़ाइन के साथ छोटे लेकिन बेहतर आयाम के साथ आती है। कद और चौड़ाई भी बढ़िया है। कैबिन में काफ़ी जगह है और ये हवादार है क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी लगाई गई हैं। ट्राइबर का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बैठने के लिए कई तरह के सीट विकल्प के साथ आती है।
आप इसकी पिछली सीट को पूरी तरह हटाकर सामान के लिए खूब सारी जगह बना सकते हैं। और भी ज़्यादा जगह चाहिए तो एमपीवी की बीच वाली रो को भी फोल्ड किया जा सकता है। इससे ट्राइबर काफ़ी सारे काम में इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगी कार बनती है। मैनुअल वेरिएंट वाले फीचर ही ट्राइबर एएमटी के साथ भी दिए गए हैं। इनमें कूल्ड ग्लव बॉक्स, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो और पिछले हिस्से में एसी वेंट्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं जो आरएक्सएल और उससे महंगे वेरिएंट्स में मिलते हैं। सुरक्षा की बात करें तो कार के सभी वेरिएंट्स में 2 एयरबैग्स दिए गए हैं और इसके टॉप मॉडल RX-Z के साथ अलग से साइड एयरबैग्स भी हैं। मुकाबले की बात करें तो ट्राइबर एएमटी की टक्कर में मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस और डैटसन की गो प्लस जैसी हैचबैक बाजार में मौजूद हैं। स्विफ्ट AGS की शुरुआती कीमत 6,66,000 रुपये है जो 8,02,000 रुपये तक जाती है। ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस पेट्रोल को भी एएमटी वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 6,45,000 रुपये से लेकर 7,79,000 रुपये तक जाती है। डैटसन गो प्लस CVT शायद ट्राइबर AMT का सबसे योग्य प्रतिद्वंदी है जिसकी कीमत 6,70,000 रुपये से लेकर 6,90,000 रुपये तक रखी गई है। सबसे बेहतर तो यही होता कि अगर ट्राइबर में AMT वर्जन जो है वो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल लॉन्च से आता, लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए, देर आए दुरुस्त आए। जो AMT का ड्राइव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक है और इसमें जो फीचर्स हैं वो भी बिल्कुल मैनुअल से मैच करते हैं, वैसे के वैसे ही फीचर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। अगर हम कीमतों की बात करें तो रेनो ट्राइबर AMT जो है वो अब भी सब 4 मीटर सेगमेंट में एज अ 7-सीटर MPV बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा किफ़ायती कार है। रेनो ने ट्राइबर के RXL, RXT और RX-Z वेरिएंट्स को AMT में पेश किया है जिनकी शुरुआती कीमत 6,25,500 रुपये है जो 7,29,500 रुपये तक जाती है। ट्राइबर AMT इसके मैनुअल वेरिएंट्स के मुकाबले औसतन 40,000 रुपये महंगी है और जहां कीमत के इस अंतर को कम किया जा सकता था वहीं ये बहुत बड़ा अंतर भी नहीं कहा जा सकता।